हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल्स नोटबुक। आज हम अक्टूबर के महीने के टॉप 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? भारत की रैंक क्या है ये बतानी है आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 103, ऑप्शन सी 107 या ऑप्शन डी 101। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 107। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन जारी करता है ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी एजेंसी है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारती दास, ऑप्शन बी सौम्या चटर्जी, ऑप्शन सी भविष्य अग्रवाल या ऑप्शन डी ईरा पांडे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारती दास। हाल ही में भारती दास को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान में हमारे सीएजी कौन है? सीएजी वर्तमान में कौन है ये भी आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। थर्ड क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी हैज वन वर्ल्ड ग्रीन सिटीज अवार्ड 2022? भारत के कौन से शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटीज अवार्ड मिला है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हैदराबाद। हाल ही में हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटीज अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वन एशिया कप फॉर 7th टाइम? हाल ही में इनमें से किस देश को 7वां एशिया कप जीता है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंडिया। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने हाल ही में एशिया कप जीता है और ये उन्होंने 7वीं बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी यूनिसेफ या ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू एक्सटेंड इथेनॉल सब्सिडी स्कीम टिल। हाल ही में केंद्र सरकार ने इथेनॉल सब्सिडी स्कीम को एक्सटेंड करने का फैसला किया है। ऑप्शन ए दिसंबर 2022, ऑप्शन बी मार्च 2023, ऑप्शन सी नवंबर 2022 या ऑप्शन डी फरवरी 2023। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मार्च 2023 तक सरकार ने ये जो स्कीम है ये एक्सटेंड कर दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट टॉप्ड टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग? टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में इनमें से किस संस्थान ने टॉप किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईएससी बेंगलुरु, ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे या ऑप्शन डी आईआईएम अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आईआईएससी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th ईस्ट एशिया समिट वॉज हेल्ड इन? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी मलेशिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वियतनाम। रिसेंटली अब्दुल लतीफ राशिद बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में अब्दुल लतीफ राशिद कौन से देश के प्रेसिडेंट बने हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी सीरिया या ऑप्शन डी मालदीव्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इराक। अब्दुल लतीफ राशिद इराक के प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रॉमा डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन?
वर्ल्ड ट्रॉमा डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 12 अक्टूबर, ऑप्शन बी 13 अक्टूबर, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर या ऑप्शन डी 17 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 17 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स? जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी चार्ल्स लेक्रेक, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपन या ऑप्शन डी एस्टेबन ओकोन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपन। जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मुलायम सिंह यादव पासिस अवे, ही वॉज द सीएम ऑफ विच स्टेट? हाल ही में मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ है, आपने बताना है कि ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी यूपी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यूपी। मुलायम सिंह यादव जी यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पोस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी 14 अक्टूबर या ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज बिकम फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योगासना? योगासना में गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? ऑप्शन ए पूजा पटेल, ऑप्शन बी कोमलप्रीत कौर, ऑप्शन सी हीमा दास या ऑप्शन डी ड्यूटी चंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पूजा पटेल। क्वेश्चन नंबर 15, अलेक्जेंडर वेंडर बेलेन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर द सेकेंड टाइम। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑप्शन ए ओस्लो, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी स्टॉकहोम या ऑप्शन डी कैनबेरा। तो इसमें ओस्लो राजधानी है नॉर्वे की, वियना राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की, तो वियना इसमें सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर डीप सी पाइपलाइन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, न्यूज़ में काफ़ी था। भारत के 50वें चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? ऑप्शन ए जस्टिस यूयू ललित, ऑप्शन बी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ऑप्शन सी जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ या ऑप्शन डी जस्टिस अभिनव चंद्रचूड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द सेकेंड राइटर फ्रॉम श्रीलंका टू विन द बुकर प्राइज? बुकर प्राइज जीतने वाले दूसरे लेखक कौन बने हैं श्रीलंका से? ऑप्शन ए परसिवल एवरेट, ऑप्शन बी माइकल ओंडाचे, ऑप्शन सी अनूक अरुतपागासम या ऑप्शन डी शहन करुणातिलका। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी शहन करुणा तिलका। इन सब के नाम प्रोनाउंस करने के लिए बहुत ही मुश्किल है, कोई बात नहीं, ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन बैलोन डियोर 2022? ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी करीम बेंजेमा, ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन डी सर्जियो रामोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा ने हाल ही में बैलोन डियोर का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड एज द वुमेन्स आईसीसी क्रिकेट प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर? इनमें से कौन सी महिला हैं जिन्हें सितंबर के महीने के लिए आईसीसी क्रिकेट प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी बैथ मूनी, ऑप्शन डी ताहलिया मैकरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज एक्वायर्ड ई कॉमर्स स्टार्टअप लाइम रोड फॉर ₹31 करोड़। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वी मार्ट, ऑप्शन बी डी मार्ट, ऑप्शन सी जियो मार्ट या ऑप्शन डी वॉलमार्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वी मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन ऑप्शन ए 10th अक्टूबर, ऑप्शन बी 15th अक्टूबर, ऑप्शन सी 20th अक्टूबर या ऑप्शन डी 12th अक्टूबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20th अक्टूबर। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में था, आपको बताना है कि यह कौन से राज्य में है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, काटी बिहू इज अ यूनिक फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड इन द स्टेट ऑफ। काटी बिहू एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, आपको बताना है कि काटी बिहू कौन से राज्य में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में या त्रिपुरा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम, असम में मनाया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टो टाइटल। इनमें से किस खिलाड़ी ने मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर जीता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन बी डी गुकेश, ऑप्शन सी हिकारू नाकुमारा या ऑप्शन डी फेबियानो कैरुआना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज डिफेंस सेक्रेटरी। हाल ही में डिफेंस सेक्रेटरी के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी सामंत गोयल, ऑप्शन सी अरमाने गिरधर या ऑप्शन डी प्रदीप सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरमान गिरधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपको पता है एक संस्था है जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करती है। इस बार भारत का रैंक शायद 86 था, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। और हमें बताना है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी जनेवा, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी रोम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बर्लिन। बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 22nd ग्लोबल एडिशन ऑफ वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट वाज हेल्ड इन। ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी बैंकॉक, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी शंघाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दुबई। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 19 या ऑप्शन डी 41। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज वन नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड। ऑप्शन ए IISc, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी JNU, ऑप्शन डी IIT बॉम्बे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 31, रिसेंटली FATF हैज रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FATF लोकेटेड। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला है और म्यांमार को ब्लैक लिस्ट किया है। आपको बताना है कि FATF का हेडक्वार्टर कौन से शहर में है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी जिनेवा या ऑप्शन डी बर्न। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड। सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड किसने जीता है। ऑप्शन ए बारबारा मेटकल्फ, ऑप्शन बी सोनू सूद, ऑप्शन सी एलिस बिलियास्की या ऑप्शन डी विवेक मूर्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बारबारा मेटकल्फ। सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनॉग्रेटेड? भारत का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम किस शहर में इनॉग्रेट किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरदयाल प्रसाद, ऑप्शन बी जैक्से शाह, ऑप्शन सी वी कामकोटी या ऑप्शन डी जर्गन स्टॉक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जैक्से शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर ट्रिम्फ इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ ए इंडिया यूएस, बी इंडिया फ्रांस, सी इंडिया इजराइल या डी इंडिया ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ एंड एमडी ऑफ आईसीआईसीआई बैंक? आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ और एमडी किन्हें बनाया गया है? ऑप्शन ए संदीप बख्शी, ऑप्शन बी ए के गोयल, ऑप्शन सी अश्विनी केपी या ऑप्शन डी टी राजा कुमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन यूएन डे, हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 अक्टूबर, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर या ऑप्शन डी 28 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड्स? ऑप्शन ए MS धोनी, ऑप्शन बी हरभजन सिंह, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर या ऑप्शन डी युवराज सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल बी हेल्ड इन ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा या ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड आइटम हैज वन मोस्ट पॉपुलर GI फूड अवार्ड? ऑप्शन ए हैदराबादी हलीम, ऑप्शन बी बीकानेरी भुजिया, ऑप्शन सी मेहीदाना एंड सीताभोग या ऑप्शन डी दार्जिलिंग टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हैदराबादी हलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद ममानी पासिस अवे ही वॉज फेमस? हाल ही में आनंद ममानी जी का निधन हुआ था, आपको बताना है कि वो कौन थे? ऑप्शन ए पॉलिटिशियन यानी राजनेता, ऑप्शन बी जर्नलिस्ट पत्रकार, ऑप्शन सी एक्टर या ऑप्शन डी ऑथर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पॉलिटिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विल बी हेल्ड इन ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई। रिसेंटली विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी नीदरलैंड या ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि सुनक हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्वीडन या ऑप्शन डी नॉर्वे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा खबरों में था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर? इस किताब के लेखक कौन है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी पी चिदम्बरम या ऑप्शन डी बिमल जलान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिमल जलान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज 100% हर घर जल स्टेट? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवी हैज वन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट सैचरन अवार्ड्स इन लॉस एंजेलिस? ऑप्शन ए कंतारा, ऑप्शन बी सरदार उधम सिंह, ऑप्शन सी RRR या ऑप्शन डी KGF 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी RRR। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टॉक एक्सचेंज हैज लॉन्च्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म? इनमें से किस स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट लॉन्च किए हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज या ऑप्शन डी मद्रास स्टॉक एक्सचेंज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में EGR यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मिनिकॉय थुंडी बीच वॉज एडेड टू द लिस्ट ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड। दे आर लोकेटेड इन ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडेमान निकोबार आइलैंड, ऑप्शन सी केरला या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो मिनिकॉय थुंडी बीच कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सेंटर हैज अप्रूव्ड तराई एलिफेंट रिजर्व इन विच स्टेट? तराई एलिफेंट रिजर्व भारत सरकार ने कौन से राज्य में अप्रूव किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिविल्स नोटबुक,